नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट मनी से फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग कैसे करते हैं और कैशबैक किस तरह से आता है। दोस्तों, आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैशबैक किस तरह से आता है, कहाँ से शॉपिंग करना है, कहाँ पर बिल अपलोड करना है, यानी कि ऑर्डर से लेकर आपका कैशबैक आने तक का पूरा वीडियो दिखाएंगे इसमें और बताएंगे भी कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफर एंड टाइप सेक्शन पर जाना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंश्योरेंस, बहुत सारा ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगा। सिंपली हम अभी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करके आप लोग को दिखा रहे हैं, ऐसे आप जहाँ चाहें वहाँ से भी कर सकते हो। सिंपली फ्लिपकार्ट के ऊपर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल प्रोडक्ट गेट 2% कैशबैक, प्रोडक्ट का यहाँ पर 2% का कैशबैक मिलेगा, बाकी जिसमें अलग अलग है सब दिखाया गया है। दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आपको विजिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। तो सिंपली दोस्तों, हमको एक मोर्फो का OTG केबल मंगाना है, जो कि कंप्यूटर से जिसे कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम मोर्फो कनेक्टर USB सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आ गया है। सिंपली देख रहे हैं, केबल वाला ही ख़रीद लेंगे, जो कि थोड़ा लंबा होगा, अच्छा रहेगा। चलिए इसी को परचेजिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल दिया हुआ है प्रोडक्ट का। तो सिंपली इसको जो है हम लोग यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं अगला पेज में लेके आ गया। यहाँ से आपको सारा चीज़ एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, सारा चीज़ सही है कि नहीं। तो मेरा एड्रेस सब सही है, तो यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमको चेंज नहीं करना, सिंपली मेरा सारा चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट का 269 रुपये लग रहा है, प्लस डिलीवरी चार्ज 65 रुपये लग रहा है। टोटल जो है मेरा 334 रुपया लग रहा है। तो सिंपली दोस्तों, इसको यहाँ से, यहाँ पे एड्रेस ठीक है, रवि कुमार महतो 664 पेट्रबार। सिंपली इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ जा रहा है, ATM कार्ड, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, इस तरह करके पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। सिंपली हम जो है इसको कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर्स दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, 5, 8, 6, कन्फर्म ऑर्डर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर सक्सेस हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सक्सेस हो गया, सारा चीज़ दिख रहा है। रवि कुमार महतो 664 फ़ोन नंबर है ये मेरा, ठीक है। ये देखिए मेरा ऑर्डर है, ये से ये मेरा सारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट मनी के थ्रू से आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट आज डिलीवर हो गया। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का पैकेट है, तो ये प्रोडक्ट जो है हमको डिलीवर हो गया, यानी कि ये प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच गया, जो कि नेक्स्ट मनी से मंगाए थे फ्लिपकार्ट से OTG केबल। तो दोस्तों, इस पे से जो बिल निकलता है अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा केबल है, ठीक है, ये केबल आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो इसका बिल निकलता है, ये देख सकते हैं वहाँ पे आपको बिल देगा प्रोडक्ट डिलीवर होने के वक्त से।
यहाँ से बिल निकलता है उसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, तो इसी बिल को जो है आपको अपलोड करना है नेक्स्ट मनी में। तो कहाँ पे अपलोड करना है चलिए दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बिल है, ठीक है, इसी को अपलोड करना है, तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑफर एंड टाइप्स पे जाना है, जहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे ऑफर एंड टाइप्स सेक्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा ब्लू कलर में, ठीक है, वहाँ पे आपको चले जाना है। हल्का ग्रीन कलर में दिख रहा है ब्लू ब्लू प्लस का आइकन यहाँ पे, हाँ, उसके पास क्लिक कर देने के बाद वहाँ से आपको देख सकते हैं आपका यूजर नेम दिखाएगा अपलोड योर बिल, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट इमेज वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट कैमरा से खींच के भी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप गैलरी में पहले से खींच के रखे हुए हैं तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से फोटो खींच के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, कैमरा ऑन कर लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरा बिल है जो कि अभी आया था, इसको अच्छी तरह से खींचना है, इसमें सारा चीज़ दिखना चाहिए साफ साफ, ठीक है, ऑर्डर आईडी सब अमाउंट वगैरह प्रोडक्ट किया था सारा चीज़ अच्छा से दिखना चाहिए। यहाँ से बढ़िया से कैप्चर करके यहाँ से अपलोड कर देना। हाँ देखिए अपलोड हो गया, उसके बाद नीचे आपको एक अपलोड का मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना और सिंपली अपलोड कर देना। ये देखिए अपलोड हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो वेट कर लेना है। बिल अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बिल अपलोड हो गया है, ठीक है। फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको बिल स्टेटस पे जाना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बिल दिखा रहा है और यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है, इसका कैशबैक हमको अभी तक नहीं मिला, तो देखते हैं चलिए कितना देर के बाद आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ्लिपकार्ट का कैशबैक आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 6 रुपया कैशबैक आ गया, 6.6 कैशबैक आ गया है मेरा फ्लिपकार्ट शॉपिंग वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑफर एंड टाइप्स पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ फिर से प्लस आइकन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे बिल स्टेटस आप देख ले रहे हैं क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड दिखा रहा है, यानी कि उस दिन अनपेड दिखा रहा था, अभी पेड दिखा रहा है, यानी कि कैशबैक मेरा यहाँ से मिल चुका है। तो इस तरह से नेक्स्ट मनी के थ्रू से आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी शॉपिंग करके कैशबैक ले सकते हैं। और दोस्तों कैशबैक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट का जो रिफंड पॉलिसी होता है उसका टाइम होता है, किसी का 10 दिन किसी का 15 दिन, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक नहीं मिलता। और दोस्तों ऐसा में अगर बाय द वे आपका कैशबैक नहीं मिल रहा है, अनपेड ही दिखा रहा है, ज़्यादा दिन हो गया, तो आपको एक काम और करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एड कंप्लेन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिएगा, ये इस तरह का खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से एड वाले पे क्लिक करना, एड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कंप्लेन टाइप, यहाँ से देख ले रहे हैं कौन सा टाइप है, नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट शॉपिंग, नेक्स्ट मनी मर्चेंट, नेक्स्ट शॉपिंग, नेक्स्ट सपोर्ट। सिंपली मेरा नेक्स्ट मनी का है तो नेक्स्ट मनी में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेन कैटेगरी, ठीक है, प्रॉब्लम किस चीज़ से हुआ है, रिचार्ज बिल, गिफ्ट वाउचर, बस, फ्लाइट, होटल, IMPS, रिडीम वॉलेट, एफिलिएट कैशबैक, रेफरल कमीशन, लॉगिन, रजिस्टर, अपग्रेड, KYC, जिससे प्रॉब्लम होता है। तो सिंपली अभी हमको एफिलिएट कैशबैक में नहीं आया है, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से कैशबैक मेरा नहीं आया, तो एफिलिएट कैशबैक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको रिटर्न में लिख देना है कि मेरा कैशबैक नहीं आया है, कंप्लेन फोटो, यहाँ से फोटो आपको सेलेक्ट कर देना है, जो अनपेड दिखा रहा था उसका स्क्रीन शॉट लेके यहाँ से आपको यहाँ पे सिंपली मेरा देख सकते हैं होगा, तो ये देखिए ये अनपेड वाला फ़ोटो जो है यहाँ पे लगा के यहाँ से एड कंप्लेन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली हमको करना नहीं है क्योंकि हमको कैशबैक आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप कैशबैक ले सकते हैं, और ये इसके लिए आपको अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपग्रेड है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप ऑफर एंड टाइप्स को यूज कर सकते हैं और कैशबैक कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।